हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोरिंग डेस्टिनी। आज हम ईकन H9 के बारे में बात करेंगे। सो ये लॉकडाउन चल रहा है, सो ईकन H9 नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ बैंगू चीबे एवरीथिंग। द एक्सपोर्ट हैज़ बिन स्टॉप्ड, सॉरी इम्पोर्ट हैज़ बिन स्टॉप्ड। सो अभी नहीं मिल रहा, सो मेरे को एक लोकल ऑफलाइन शॉप से मिला है उसको। मेरे को अनबॉक्स दिस एंड हैव गॉट दिस प्राइस, लाइक प्राइस हाइक हुआ है पूरा। 3500 था इसका एक्चुअल प्राइस, अभी इसका मुझे 5000 में मिला है। So let's go with that. So इसमें एक कैमरा, एक्शन कैमरा, बॉक्स अंदर खाली है, इसको साइड में रखेंगे। सो कैमरा हम साइड में रख रहे हैं। सो बॉक्स के अंदर एक निकाल रहा हूँ, पहले क्या क्या है देखेंगे। सो ब्रांड नेम इकन, एक्सेसरीज बॉक्स और एक मैनुअल है, पढ़ लो एक बार पूरा, साइड में रखेंगे इसको। एक रिस्ट बैंड है और एक डाटा केबल है। सो दूसरा बॉक्स, एक जिप टाई दिया है और ये सभी एक्सेसरीज है जो माउंट करने के लिए मेन है। एक कैमरा, लाइक रिमोट, यहाँ रिमोट है, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो कैप्चर दोनों होता है। तो और सभी माउंट्स है पूरा, और एक एक्स्ट्रा ये है क्लिपर्स, और ये सभी हेलमेट के लिए, हेलमेट को लगाने में या कुछ उसके लिए यूज होता है। सो ये सभी इतना लाइक आइटम्स आता है इसमें, ठीक है। और बात करेंगे मेन कैमरा के बारे में। सो ये एक्चुअल कैमरा, सो इसको पूरा कर लेंगे। ये पूरा इसका वाटरप्रूफिंग केसिंग है, इसको ओपन करेंगे और यह आता हमारा केसिंग, रखेंगे इधर, और यह आता हमारा कैमरा ईकन H9R। सो ये है इसका 20 MP का कैमरा और इसका वीडियो रेजोल्यूशन है 4K 30 FPS, 2.7K 30 FPS और 1080p 60 FPS और 30 FPS पे आता है, और 720 120 FPS में स्लो मोशन भी है इसमें, ठीक है। और इसका एक पावर बटन है और ये कैमरा रिकॉर्डिंग बटन है, इधर अपसाइड डाउन बड़ा दो बटन है सिलेक्शन के लिए, और इधर HDMI पोर्ट्स है और एक मेमोरी कार्ड स्लॉट भी इधर ही है, और इधर नीचे बैटरी आता है। सो बैटरी दिखाता हूँ आपको पहले, थोड़ा रिजिड है ओपन करने के लिए। 1050 mAh का बैटरी है, मेड इन चाइना। सो ये बैटरी है और एक ऑलवेज ट्राई टू कीप ए स्पेयर बैटरी मैन एक्स्ट्रा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मेरे हिसाब से बजट कैमरा है पूरा, व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। सो इसका वीडियो सैंपल्स भी दिखाता हूँ आपको। गाइस इट्स 1080p 30 FPS आई एम शूटिंग इन। Guys, it's 1080p, 60 FPS. It's 2.7K 30 FPS.
guys, it's 4K 30 FPS